देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर बुधवार को डेंगू रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष बाबूलाल बजाज ने बताया कि शहर में डेंगू के रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया है, इससे लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। इसी कड़ी में श्रीमती रुक्मणी देवी रामदेव लड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मूलचंद लड़ा ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सेवन से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष माधव प्रसाद दूत, बाबूलाल बजाज, शौकत खान, किशन लाल कुमावत, चंदूलाल सेन, दशरथ सिंह राठौर, किशन चेजारा, दिलीप टेलर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।